फिर गाना बजाओ। तेरे लिए रोया नहीं पर खोया मैं हूँ या गुमशुदा। Take your voice to the people. Jam with the best. Win with your words. Hustle 2.0. Send your entries on Voot and become Indian hip hop's next big thing. मैंने एक वीडियो में फ्री स्टाइल के बारे में बताया था कि फ्री स्टाइल क्या होता है, और आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे रैप बैटल के बारे में जितना मुझे पता है, क्योंकि रैप बैटल कोई आम चीज़ नहीं है गाइज, बहुत बड़ा कुआं है, और अगर आप इसमें कूदना चाहते हैं तो फिर आप कूद सकते हो, आपकी मर्जी है। और ये जो रैप बैटल है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, इसके अंदर दो रैपर्स आपस में बैटल करते हैं, एज अ स्पोर्ट हम बोल सकते हैं इसको, लेकिन हाँ इसमें एक अपोनेंट दूसरे अपोनेंट को अपनी बातों से मारता है, और वो बातें अगर आपके अंदर हैं पंचलाइन आप मार सकते हैं एकदम अचानक से, किसी बंदे को देखकर आप उस पर पंचलाइंस और कमेंट्स बना सकते हैं, तो फिर आपके लिए रैप बैटल सही है। इसके अंदर पंचलाइन ही नहीं, राइमिंग और एट द मोमेंट में आप जो बोलते हैं वो कमाल का होना चाहिए। वैसे तो रैप बैटल अब आजकल कॉमर्शियल पे हो गई है, तो फिर एक महीने या 10-15 दिन पहले ही बता देते हैं कि भाई आपका जो अपोनेंट्स है वो ये है, इसका नाम ये है, इसकी एज ये है, ये इस तरह से रहता है, उसके फोटोग्राफ्स, उसकी वीडियोज़, तो आप आसानी से उसके बारे में लिख लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले आमने सामने एकदम दोनों अपोनेंट्स आएंगे और फिर वो जो बैटल होती है उसमें काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि उसके अंदर एकदम साइमेंटेंसली एकदम जो निकलता है वो काफ़ी सही लगता है देखने में। अब बहुत सारे रैप बैटल्स करने लगे हैं कॉमर्शियल बेस पे, बंटा और रफ्तार का जो कॉमर्शियल बेस पे रैप बैटल हुआ था, इसमें ये हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड पहले से ही था, क्योंकि दोनों को ही प्रॉफिट हुआ। पहले बंटा ने अपना पूरा बताया, उसके बाद रफ्तार ने अपना पूरा बताया था। लेकिन जो असली में जो रैप बैटल होता है वो आप YouTube पे देख सकते हैं, हम दोनों एक साथ देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली। वहीं आप अगर सीखना चाहते हैं रैप बैटल को, तो फिर आपके सामने जो अपोनेंट है, या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी, कोई भी आपके सामने चल रहा है, तो उसके बारे में रैप बनाना, उसके कपड़ों को लेकर, उसके शूज़ को लेकर, उसके पर्सनैलिटी को लेकर, हेयर स्टाइल को लेकर, इन चीज़ों के ऊपर आप फटाफट अगर राइमिंग करने की कोशिश कीजिए तो फिर आप एक अच्छे रैप बैटल कर सकते हैं। रैप बैटलिंग एक हुनर होता है, सिंपल सी बात है, पर इसके अंदर बेइज्जती भी बहुत होती है। अगर आपका दिल थोड़ा सा नरम है ना, तो फिर रैप बैटल मत कीजिए, क्योंकि गालियाँ भी बहुत होती हैं, बहुत, क्योंकि सामने वाला भाई अपोनेंट्स तो यही चाहेगा ना कि इसको कैसे भी नीचे गिरा दूँ, गाली से, इसकी इज्जत से, इसके नाम से, काम से, इसके बैकग्राउंड से, और ऐसी ऐसी चीज़ें भी बोलते हैं रैप बैटल के अंदर जो हकीकत होती हैं। मैं एक रैप बैटल यूट्यूब पे देख रहा था, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब उस दूसरे अपोनेंट्स ने उसी चीज़ को टॉपिक बना दिया। तो इस तरह की रैप बैटल होती है, इसमें ये स्पोर्ट है वैसे तो, बेसिकली अंडरग्राउंड स्पोर्ट बोलेंगे इसको, और इसके अंदर क्या होता है कि अगर दोनों को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, इंटरनली भी और आउटर वे में भी, तो आप रैप बैटल कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनको आप ज़रूर देखिए कि बेसिकली रैप बैटल होता क्या है। बाकी मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो निकले हुए हैं MTB हसल के, अगर आप MTB हसल के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा फॉर्म है, इधर आपको अपना नेम डालना है, नेम के बाद एज, सिटी, फ़ोन नंबर, और एक या दो मिनट की अपनी रैप करते हुए की वीडियो, और टर्म्स और कंडीशन पर फिल करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे डाल दूंगा, इस वीडियो के नीचे आप उस लिंक पे जा सकते हैं। बेसिकली यही था रैप बैटल को लेकर, बाकी इसके अंदर दो चार चीज़ें होती हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, आपको अपनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, दूसरा आपको पंचलाइन आनी चाहिए अच्छी अच्छी, आपकी बातों में बहुत ज़्यादा वजन होना चाहिए, और एक और होता है जिसको हम प्रो लेवल की बैटलिंग बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक रैपर ने आपके बारे में कुछ भी गलत बोला, तो उसका ही बिल्कुल अपोजिट आपको बोलना होता है,
मतलब कि उसको पूरा डिफेंड करना होता है। ऐसा नहीं कि उसने बोला कि आपके मम्मी के बारे में या फिर आपके पर्सनैलिटी के बारे में तो फिर आप बोल रहे हैं कुछ और ही चीज़ बोल रहे हैं उसको, ऐसा नहीं। उसमें फिर आपको अपनी मम्मी को डिफेंड करना होता है, अपनी पर्सनैलिटी को डिफेंड करना होता है कि भाई मैं ऐसा इसलिए हूँ और ऐसा हूँ ऐसा हूँ, तो वो होता है। जैसे गली बॉय में भी आपने देखा होगा, वो रैप बैटल आप ज़रूर देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वैसे तो यही है इस वीडियो के अंदर, बाकी कोई भी अपडेट आएगी इस चीज़ को लेकर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। MTV हसल के रजिस्ट्रेशन निकले हुए हैं, जाइए भर लीजिए फॉर्म अगर आप वास्तव में एक रैपर हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।